हाय जय मैं नहीं आपकी मंथली प्रडिक्शन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ में ये वीडियोस मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि दिसंबर के वीडियोस में मैंने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं अपने इस मंथ में दिसंबर के महीने में जिन पे हम वर्क कर सकते हैं और जिस पे वर्क करने से जनवरी का महीना या नया साल जो है ट्वेंटी हम अपने लिए बहुत बेहतर बना सकते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ग्लांस अगर मैं आपको ट्वेंटी जनवरी का दे दूँ तो वो आपको हेल्प करेगा आपके ऊपर वर्क करने में आपको हेल्प करेगा किन चीज़ों पर आपको से आपको डील करना है वर्क करना है और आप अपना नया साल जो है उसको बेहतर बना पाएंगे तो इसलिए वीडियोज़ थोड़े से जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा गैप मिले उस पर अपने आप पे वर्क करने के लिए उसके साथ में इस महीने में वीडियोस में एक और एडिशन कर रही हूँ वो एडिशन है आपकी सोल ग्रोथ की तो इस ट्वेंटी ट्वेंटी का साल जो है वो आपके सोल के लिए कैसे वर्क करने वाला है आपकी सोल की ग्रोथ किस तरह से होने वाली है और क्या चीज़ें करनी है आपको अपनी सोल को ग्रो करने के लिए वो जो चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी को पूरा करने के लिए फुलफ़िल करने के लिए वो जो वो जो एक मैसेज है वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस महीने तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है जनवरी महीना मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी का महीना शुरू ही हो रहा है विशफुल फुलफिलमेंट से uh, कोई इमोशनल मैसेज आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि कप्स बहुत ज़्यादा हैं आपके कार्ड्स पे uh, एक दो तीन चार पाँच छः छः कप कार्ड्स आए हैं और uh, टेम्परेस में भी वो कप्स इधर से उधर करती है तो दैट्स अगेन अ कप कार्ड तो बेसिकली uh, आपके इमोशंस बहुत हावी रहने वाले हैं इस महीने इमोशंस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आप कोई प्रॉब्लम या कोई स्ट्रगल या कोई इमोशनल टर्बुलेंस uh, जिसके थ्रू आप जा रहे थे बहुत टाइम से उसको आप छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो थोड़ा बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है उसके साथ में मुझे आपके लाइफ में एक रिबर्थ दिखाई दे रहा है तो एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत uh, uh, बहुत जल्दी भी नहीं करनी है और टाइम वेस्ट भी नहीं करना है इस महीने तो मैं आपको uh, बोलूँगी कि एक अगर नॉर्मल पेस पर आप चलोगे गाइडेंस ले लोगे स्टेप लोगे गाइडेंस लोगे स्टेप लोगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और इसमें ही नहीं ये ध्यान रखना है क्योंकि इमोशंस बहुत हावे रहने वाले हैं तो अपने आप को आपने इमोशनली कंफ्यूज फील नहीं करना है क्योंकि अगर आप अपने आपको ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा मंथ के एंड तक वो गोल्स अचीव करना जो आपको करने हैं क्योंकि काफी कुछ कंप्लीशन जो है वो ये मंथ आपको दे जाएगा मुझे वो दिखाई दे रहा है एक दो तीन नंबर टेन के कार्ड्स आए हैं दो नंबर नाइन के कार्ड्स आए हैं और एक नंबर वन का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ कंप्लीशन और नई स्टार्टिंग जो है वो ये महीना आपको देके जाएगा प्रोवाइडेड आप एक आप बेचैन ना हो बहुत ज़्यादा और सेकंड आप ब्लाइंड फोल्डेड इमोशनली ब्लाइंड फोल्डेड ना फील करें तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो आपको ध्यान रखना है अपनी स्पाइन हेल्थ का बैक की हेल्थ का तो बॉडी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस महीने अपना अपनी अपने आप को रेस्ट देना जहाँ जरूरी है वो आपने देना है उसके साथ में ये जो कार्ड होता है ये कई बार सर्जरी भी बताता है या सर्जरी स... के बाद होने वाली हीलिंग बताता है और ये कार्ड आपके पर्सनालिटी कार्ड में आया है तो हो सकता है कि महीना आ, किसी तरह की सर्जरी की आपको ज़रूरत पड़े या फिर आपकी ऑलरेडी सर्जरी हुई हो और उसकी हीलिंग इस महीने में हो लेकिन ये एक पॉजिटिव कार्ड है ये नेगेटिव कार्ड नहीं है और इसीलिए ये कार्ड बताता है कि जो भी प्रॉब्लम होगी जो भी इश्यू होगा उसमें हीलिंग जो है वो बहुत फास्ट होगी हीलिंग जो है वो बहुत अच्छे से होगी और नई आपको बिगनिंग मिलेगी उससे तो अगर किसी तरह की कोई सर्जरी किसी तरह का कोई स्पाइन रिलेटेड इशू बैक रिलेटेड issue, body related issue. होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है उसमें क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत हो हो सकता है आपको बेड रेस्ट की जरूरत हो फर अवाइल लेकिन वो इसलिए है क्योंकि महीना बहुत इमोशनल अप डाउन लेके आ रहा है आपके लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है थोड़ी सी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है और इसीलिए शायद वो वो फेज़ आपके लाइफ में आ रही है आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये महीना ऐसा भी लग रहा है जिसमें बेबी बर्थ हो सकता है तो सर्जरी डेफिनेटली वहाँ रिलेटेड होती है रेलिवेंट होती है तो उससे भी हीलिंग जो है वो धीरे धीरे होगी तो ये हेल्थ को लेकर मुझे एक चीज़ नजर आ रही है उसके अलावा आ, बस मैं इतना बोलूँगी कि इस महीने आपने कोशिश करनी है कि हेल्थ इशू कोई भी होगा ना आपने उसको इग्नोर नहीं करना है चाहे वो हेड हो चाहे वो बॉडी एक हो चाहे वो आ, किसी तरह का भी कोई हेल्थ इशू हो क्योंकि एट ऑफ कप्स है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप उसको बढ़ाएंगे अगर आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे एड्रेस करेंगे तो वो बहुत जल्दी हील होगा थोड़ा सा आपको एक टाइम पीरियड आ सकता है क्योंकि टेन ऑफ वैंड भी है तो मुझे ज़्यादा स्पाइन हेल्थ के साथ लग रहा है बैक या नेक आ, लेकिन क्योंकि एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होगा जिसमें वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान करेगी तो अगर आपने अपने आपको एक्शन नहीं लिया ब्लाइंड फील किया ये मेरे साथ क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है तो आप उस चीज़ को एग्रीवेट करेंगे अगर आप एक्शन लेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए जो हेल्थ इशू है वो एक्चुअल में ज्यादा अच्छे से कोई हो सकता है तो एक्चुअली ब्लैसिंग घबराने की थोड़ा सा आपने अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है पानी साफ पीजिए और जितना आपके लिए पानी ज़रूरी है उतना पानी पीजिए और साथ में आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वाटर या खाने की चीज़ें जो भी आप ले रहे हो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके लिए अनहेल्दी हो या आपके लिए ख़राब हो इस इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करें आपके वेल्थ या मनी की तो इस महीने एक ही कार्ड आया है मनी रिलेटेड जो कि एस ऑफ पेंटिकल है अपने आप में बहुत है वो और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है पेंटिकल कार्ड आने की क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल जो होता है वो मनी फ्लो का कार्ड होता है नई बिगनिंग का कार्ड होता है अबंडेंस आने का कार्ड होता है आउट ऑफ नोवेयर मतलब फ्रॉम गॉड्स हैंड एक तरह से भगवान की तरफ से या स्पिरिट की तरफ से आपकी तरफ ग्रोथ आने का कार्ड होता है तो मनी फ्लो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें और थोड़ा सा ये ध्यान रखिए क्योंकि मुझे किसी तरह के सेलिब्रेशन आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है किसी तरह की रिकग्निशन सेलिब्रेशन फैमिली के साथ कनेक्शन कुछ ऐसा आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है तो इसलिए आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मनी स्पेंड करना है तो थोड़ा सा क्लियरली बैलेंस्ड होकर करना है बहुत ओवर स्पेंड नहीं कर देना है और बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है Uh, बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की तो लव रिलेशनशिप्स इस महीने मुझे आपके कार्ड ही रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहे हैं मेजरली सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मंथ के शुरू में ही किंग ऑफ कप्स और नाइन ऑफ कप्स है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन से आप किसी तरह के मैसेज की वेट कर रहे थे या कनेक्ट होने की वेट कर रहे थे या आप किसी को किसी तरह का कोई मैसेज देना चाह रहे थे तो ये मंथ है जहाँ तो विश फुलफिलमेंट होगी तो विश्व फुलफिल्मेंट से ये मंथ शुरू हो रहा है कोई ऐसा मैसेज कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा क्योंकि सेंटर कार्ड में भी टेन ऑफ कप्स है और नीचे सिक्स ऑफ वैंड

अदरवाइज़ आप अगर ऑलरेडी मतलब फ़ैमिली है सब कुछ नॉर्मल है सही है तो ये कहीं फ़ैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है या फैमिली में ही किसी तरह की कोई कोई सेलिब्रेशन किसी तरह का किसी लोगों का मिलने आना आपके फ्रेंड्स का मिलने आना कुछ किसी तरह के सेलिब्रेशन जो है वो डेफ़िनेटली है आपके काज पे जो मुझे दिखाई दे रही है और इस सेलिब्रेशन का आप बहुत पहले से वेट करते आ रहे हो मतलब ये कोई चीज़ है जिस जो एक्चुअल में या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये बेबी है तो ये आपका कोई अपना जो रिसेंटली दुनिया छोड़ के गया था वही वापस आ, आ रहा है तो इसलिए ये सेलिब्रेशन और ज़्यादा मायने रखती है और उसके साथ में आ, मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जिसमें आपको रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली देखना है अपने आसपास वालों को गाइड करना है और हरमिट का कार्ड है तो अगर कहीं पर आपको अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है या कोई ऐसी चीज़ें हैं पास्ट की जो आपको बॉदर कर रही हैं तो एक तो अपने पास्ट को छोड़ना है दूसरा अगर चाहिए तो किसी काउंसलर या गाइड की हेल्प लीजिए और लाइट को देखिए रोशनी को देखिए हर चीज में पॉजिटिव को देखिए क्योंकि ये महीना ही है जहां आउट ऑफ द ब्लू नई चीजें आपके लाइफ में आएंगी छोटी सी एक प्रॉब्लम जो मुझे आपको आपके कार्ड्स को देखकर लग रही है वो ये कि इस महीने आप ओवर इमोशनल हो सकते हो जब हम ओवर इमोशनल होते हैं तो हम ब्लाइंड फोल्डेड फील करते हैं और फिर हम ओवर बर्डन फील करते हैं वही जो आपके आउटकम कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स टू ऑफ सोद्स और टेन ऑफ सोद्स मुझे बता रहे हैं कि अगर आप ओवर इमोशनल फील करोगे मान लीजिए कोई मैरिज की सिचुएशन है प्रपोजल की सिचुएशन है बेबी बर्थ की सिचुएशन है या फैमिली में जनरली ही कोई सिचुएशन है जहाँ रिन्यूवल हो रहा है क्योंकि एंडिंग्स और बिगनिंग का कार्ड भी है रीबर्थ का कार्ड भी है तो एंडिंग और बिगनिंग का कार्ड भी है तो फैमिली में ही किसी तरह की सिचुएशन है पे कुछ डील नहीं कर रहे थे आप कोई इशू था जिसको आप सॉल्व नहीं कर रहे थे वो सॉल्व हो रहा है या किसी तरह का सेपरेशन हो रहा है फैमिली के साथ तो आप फैमिली के साथ हो लेकिन आ, कहीं सेपरेटेड अलग घर में रह रहे हो या ट्रांसफर या मूवमेंट हो रहा है किसी तरह का कोई ऐसी आउट ऑफ द ब्लू क्योंकि ये ट्रैवल भी बताता है उस तरह की चीज़ हो रही है तो आपने इमोशनली अपने आप को ड्रेनड फील नहीं करना है ब्लाइंड फोल्डेड फील नहीं करना है ये नहीं सोचना है कि मैं बैलेंस कैसे करूँगा या करूँगी ये क्या हो रहा है ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी या तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा एक्चुअल में आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप इन इन चीजों को बहुत क्लियरली बैलेंस कर पाओ बहुत अच्छे से इन रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर पाओ आप अगर ब्लाइंड फोर्डर फील करोगे तभी आपको बर्डन लगेगा अदरवाइज योर गिफ्टेड आपको इंट्यूशन है आपको क्लियरली पता है क्या करना है आप दूसरे के मन की बात समझ सकते हो इमोशंस को समझ सकते हो तो किस तरह की कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में आइडली नहीं होनी चाहिए अगर आप खुद को बैलेंस रखते हो क्योंकि नो स्पेस पे इस टेम्परेस का कार्ड है इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि इस महीने बहुत ज्यादा सोचना नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करना है बेकार की चीज़ें सोच के और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है आपने ये जरूर ध्यान रखना है बात करें आपके जॉब या करियर की तो जॉब या करियर ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं एस ऑफ पेंटिकल है पेज ऑफ कप्स है हर्मिट uh, है सिक्स ऑफ वैनस है ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं कोई विश फुलफिलमेंट बता रहे हैं किसी तरह का ट्रैवल अगर आप करना चाह रहे थे अपनी जॉब के साथ रिलेटेड उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ये फॉरन uh, ट्रैवल या आउट ऑफ इंडिया के ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी बताते हैं जहाँ पे नॉट uh, नेसेसरी आप इमिडियटली ट्रैवल करो लेकिन जो फर्स्ट स्टेप्स हैं टूवर्ड्स दैट ट्रैवल वो आप फुलफिल कर पाओ और उसकी वजह से ट्रैवल की पॉसिबिलिटी बने तो किसी तरह का कोई कोई विक्ट्री किसी तरह का सेलिब्रेशन फैमिली के साथ अपनों के साथ मिलकर करना वो बताते हैं अगर जॉब नहीं है तो रिबर्थ का कार्ड है इस है है एस ऑफ पेंटिकल जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से मिले हो सकता है पास में कोई चीज आप छोड़ के आए हो उसी में आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले हर्मिट का कार्ड है आपको गाइड मिले गाइडेंस मिलेगी आपको लाइट मिलेगी आप उस चीज को देख आगे बढ़ सकते हो वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है बिजनेस अगर मैं बोलूँ तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती हैं बस ये जरूर ध्यान रखिए इस महीने कि ऐसा ना करें आपके इमीडिएटली बिल्कुल भागने की तैयारी कर ले या फिर आपको लगे कि आम... अभी मुझे आगे नहीं बढ़ना है अभी मुझे स्टेप नहीं लेना है क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो आपने वो बिल्कुल नहीं करना है आप बैलेंस कर सकते हो आप चीज़ें कर सकते हो आप एक्चुअल में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो कम्पलीशन की तरफ जा रहे हो और जो भी सिचुएशन इस टाइम पर आएगी वो एक्चुअल में एक कम्प्लीशन करके एक रिन्यूअल एक नया फेज आपके लिए स्टार्ट करेगी नई रिकग्निशन आपको मिलेगी और रिकग्निशन और रिवार्ड तो मुझे रिवॉर्ड तो मुझे आपके सेंटर कार्ड पर ही आ रहा है तो इसीलिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके जॉब और करियर को लेकर भी सिर्फ एक ही मैं आपको फिर से बोलूंगी एक ही चीज़ ध्यान रखिए अगर आप अपने आप में लो फील करेंगे अपने आप में ब्लाइंड फोल्डेड फील करेंगे तो आप वो चीज एक्सपीरियंस भी करेंगे अगर नहीं करेंगे तो अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप एक्चुअल में बहुत अच्छा कर सकते हो बात करें आप पाथ की तो ये महीना है रिबर्थ का महीना है अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ कनेक्ट करने का और इसीलिए मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि अगर पुरानी कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ख़त्म करना ज़रूरी है पुराने कोई ऐसे गम हैं जिनको आप दिल से लगा के बैठे हो पुराने कोई ऐसे इमोशंस हैं जिनको आपने हील नहीं होने दिया है तो ये महीना है जब आप ख़ुद उनको हील करो लेट गो की एक्सरसाइज करो या फिर आप किसी काउंसलर या गाइड से कनेक्ट करो और अपने आप को हील करो ये हीलिंग का महीना है और जब आप हीलिंग और आ, हीलिंग के साथ रिबर्थ होगा तो हीलिंग के साथ ही आपका एक नया रिन्यूवल होगा तो ये महीना है जब आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दो अगर आप अपने आप को हील करते हो अगर आप अपने पास से बाहर आते हो तो वो आपके सोल ग्रोथ की एक नई बिगनिंग होगी आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने आपके लिए और बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे कुछ इंट्यूशन में डेवलपमेंट आपकी दिखाई दे रही है दो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसको डिनाई करोगे अपनी इंट्यूशन को खुद ही डिनई करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आइडली अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे तो आप इंट्यूटिवली डिवेलप होगे बाय द एंड ऑफ द मंथ बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ चक्रा ऑफ द मंथ की चक्रा ऑफ द मंथ इस महीने आपका आया है थर्ड आई चक्रा बियॉन्ड इल्यूजन और थर्ड आई चक्रा बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये आइडली ये जजमेंट का कार्ड है बट बियॉन्ड इल्यूजन जो आप चीजों को बिना इल्यूजन के बाहर देख पाओगे और इसीलिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि यहां पे विजन ही है आपकी जो आपको ब्लॉक करेगी सिर्फ अगर आप खुद को ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे और अगर आप अपनी विजन को क्लियर रखोगे तो सब कुछ बहुत क्लियर होगा तो इस महीने थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन जरूर करनी है और जब भी आपने थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी है या तो बेस चक्रा की मेडिटेशन या ग्राउंडिंग ये दोनों चीजें या दोनों में से एक चीज जरूर जरूर करनी है यह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस आगे पढ़ने के लिए देगी और ग्राउंडिंग आपको हेल्प करेगी जब आपका थर्ड आई ओपन अप होगा बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की द व्हील ऑफ फॉर्चून द व्हील कार्ड आया है और वो बोलता है कि नई बिगिनिंग्स हैं एंड डिलेज़ खत्म हो रहे हैं नया चेंज हो रहा है डायरेक्शन चेंज हो रही है और नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जो आपको हैप्पीनेस ऑफर करेंगी और इसीलिए इस महीने बहुत ज़रूरी है कि आप उस हैप्पीनेस के लिए रेडी रहो तो आपने अफर्म करना है कि मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ में सारी खुशियाँ बटोरने के लिए मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैं ब्यूटिफुल बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और सब कुछ कंप्लीशन की तरफ जाके नई बिगनिंग मेरी लाइफ में आ रही है और सब कुछ मेरी लाइफ में हैप्पीनेस खुशियाँ और अबंडेंस लेके आ रहा है तो ये आपने ज़रूर अफ़र्म करना है हर रोज़ बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ दो सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ आपके आए हैं पहला कार्ड बोलता है सरेंडर लो सेल्फ स्टीम तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में सोचते हो कि ये मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या ये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ तो उनको रिलीज़ कर दीजिए इस महीने वही रिबर्थ है आपका कि आ, अगर कोई भी ऐसी चीज़ थॉट्स हैं आपके माइंड में आप सारा लव सारा केयर सब कुछ यूनिवर्स से फ्रेंड फ्रेंडलीनेस फ्रेंडशिप्स गाइडेंस सपोर्ट सब कुछ डिजर्व करते हो आपने सिर्फ अपने माइंड से जो आपका स्ट्रेस है जो आपका आ, ये थाट है कि आप क्या चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो स्टीम अपनी लो जो करने के रिलेटेड है उसको आपने कंप्लीटली छोड़ देना है इस महीने अगर आप उसको कम्प्लीटली छोड़ दोगे तो एक्चुअल में ये रिवर्थ होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा दूसरा सरेंडर कार्ड आया आपका सरेंडर टू ट्रस्ट तो जब हम ट्रस्ट को सरेंडर करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है तो वो कार्ड्स रहे हैं अपने डिसीजनस को ट्रस्ट कीजिए और डेफिनेटली ये इसके साथ रिलेट करता है जहां पर खुद में ब्लाइंड फोल्डेड आप फील कर सकते हो अपने आप को ट्रस्ट कीजिए दूसरों के गाइडेंस से या दूसरों के स्ट्रॉग ओपिनियन से आप बिल्कुल भी अपने आप को चेंज ना करें या डरे ना उनसे एक्शन लीजिए आपने सही पाथ चुना है अपने पाथ पे कॉन्फिडेंट रहिए और ये पाथ आपको रिन्यूवल देगा और वही आपके कार्ड्स भी इस महीने बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ दो कार्ड्स फिर से आए हैं आपके पहला कार्ड बोलता है इनविजिबिलिटी वो बोलता है जो इनविजिबिलिटी का क्लॉक आपने पहन रखा है जो आप अपने आप को इनविजिबल करे हुए घूमते हो जो बहुत लाइट है आपके अंदर बहुत सारी गाइडेंस आप दे सकते हो बहुत सारे अबिलिटीज़ हैं आपके अंदर लेकिन आप अपने आप को इनविजिबल करके घूमते हो क्योंकि आप शायद ट्रस्ट करने से डरते हो या फिर लो सेल्फ स्टीम है आप अपने आप को अपने आप ही कम आंकते हो इस महीने वो चीज़ छोड़ दीजिए अपनी लाइफ में विश्वास कीजिए और जब आप अपनी लाइफ में विश विश्वास करेंगे तो आप अननोन को एक्सप्लोर करेंगे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अच्छी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिस्ट्री का कार्ड है अच्छी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी और वही इस महीने का थीम भी मुझे आपके लिए लग रहा है कि जब आप खुद पे विश्वास करेंगे अपनी विशेज पे विश्वास करेंगे अपने इमोशंस के साथ बैलेंस होंगे अपने आप को वो रिवॉर्ड और रिकग्निशन देंगे आउट ऑफ द बॉक्स आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे लाइट गाइडेंस को एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो एक्चुअल में बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है क्या होगा जब आप इन चीज़ों को करोगे आपकी

कलर ऑफ द मंथ ब्लू इंडिगो येलो रेड कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी आ, बात करें आपका सोल ग्रोथ या सोल 2021 में सोल आपकी किस तरह से ग्रो करेगी क्या आपके सोल मैसेजेस हैं तो 2021 आपके लिए बोलता है पहला कार्ड है आंसर द कॉल वो बोलता है आपकी सोल आपको क्या करने के लिए बोल रही है उसको आंसर कीजिए और दूसरा कार्ड है स्टार मदर अपने आप को आप कैसे मदर कर सकते हैं तो आपकी सोल जो है वो चाहती है कि आप अपने आप को नरिश करें आपकी सोल जो है वो चाहती है वो आप अपने आप पर विश्वास करें आपकी सोल जो है वो चाहती है आप अपने आप को विजिबल करें सोल जो है है वो चाहती आप आप अपने आप को नर्चर करें और यही आपकी सोल ग्रोथ है इसमें इस इस साल साल में में पूरे तो कोशिश कीजिए कि आप आप अपनी अपनी सोल की आवाज़ सुने सुने इंट्यूशन को कंफ्यूज या ब्लाइंड फोल्डेड ना फील करें अपनी इंट्यूशन को सुने स्ट्रेस ना लें बिल्कुल भी किसी चीज का और अपने आप को नर्चर करें अपने आप को अपनी हेल्थ का ध्यान रखें अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें अपनी मेंटल हेल्थ का अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें और वही इस महीने की कॉलिंग इस साल की कॉलिंग है आपकी और वो महीने तभी मुझे किसी तरह के कोई इशू बॉडी के इशू से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जब किसी चीज की हीलिंग होनी होती है तो वो सफेस पे आता है जब सफेद पर आता है तभी ही हील होता है और वही इस महीने इस पूरे साल आपके लिए रहेगा जहां पर आपको अपने आप को मदर करना है अपने आप को अपना ध्यान रखना है अपने आप की केयर करनी है और अपनी सोल की कॉल को जो है उसको सुनना है और आंसर करना है अगर इससे आज ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सलाइज स्ट रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है मैं नंबर शेयर करूँगी हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर चैनल पर और बहुत सारी वीडियो हैं जो लोगों की स्ट्रेस रिलीफ के साथ मदद कर सकती हैं बहुत सारी नेगेटिविटी उनकी लाइफ से हटाने में मदद कर सकती हैं और बहुत सारे लोग वॉइस आउट नहीं कर सकते बोल नहीं सकते हैं हेल्प नहीं मांग सकते हैं तो अगर आप एक मीडियम बन सकते हो जिसके थ्रू उन तक हेल्प पहुँचे तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो होगी और बाकी अप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है यू आर वेरी हैप्पी ट्वेंटी नया साल आपके लिए ये नई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए जहाँ पर आप अपने आप को एक रीबर्थ दें अपने आप को वाकई में समझें और अपने आप को नर्चर करें और ग्रोथ की तरफ जाए और ये इनविजिबिलिटी का जो क्लॉक आपने पहना है वो छोड़ें और आपकी लाइफ जो है वो आप विजिबल हों आप दुनिया आपको जाने दुनिया आपको देखे और बहुत सारी ग्रोथ और प्रोग्रेस आपके लाइफ में आए मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के पटीशन के साथ तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए थैंक यू सो मच बाय बाय